चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स पार्ट 5 एक्सरसाइज 3.2 सेशन 31। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चन 6 टू 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स रीड क्वेश्चन 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार बाय अ डिजिट सो दैट द नंबर इज फॉर्म द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि 2 आपको सम्स दिए हैं जिसमें आपको स्टार को एक ऐसे डिजिट से रिप्लेस करना है कि फिर उसके बाद ये नंबर फुल्ली डिवाइड होने लग जाए 9 से। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 पार्ट 1। द गिवन नंबर इज इक्वल्स टू, अभी जो आपको नंबर गिवन है क्या करेंगे, सबसे पहले 9 से फाइंड आउट करने के लिए कि 9 से फुली डिविजिबल है कि नहीं, वी विल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स गिवन डिजिट्स इज 4 + 7 = 108 + 2 = 22। तो अभी डिजिट का जो ऐड करके आ रहा है क्या आ रहा है, 22। द नंबर नेक्स्ट टू 22 विच इज़ डिविजिबल बाय 9 इज 27। अब 22 के बाद अगला जो भी नंबर आता है वो है 27, जो कि 9 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है। 22 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 27, जो 9 से फुल्ली डिवाइड है। देन रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, अब छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो रिक्वायर करता है, जो कि 9 से फुल्ली मतलब इसके अंदर हम ऐड करें या स्टार की जगह पर उस नंबर को रखें ताकि ये फुल्ली डिवाइड होने लग जाए 9 से, तो वो नंबर है आपका 27 - 22 = 5। ठीक है, 5 को अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं उसके बाद जो ये नंबर है फुल्ली डिवाइड होने लग जाएगा 9 से। पार्ट 2। ठीक है, अब आप फिर से सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वी विल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। आफ्टर एडिंग वी गेट 32। द नंबर नेक्स्ट टू 32 विच इज़ डिविजिबल बाय 9 इज 36। तो सो दैट रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 36 - 32 = 4। यानी कि अगर स्टार की जगह पे हम 4 को रख देंगे तो आ जाएगा आपका 36 विच इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय 9। एंड देन एंड आफ्टर दैट होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार बाय, स्टार को अब आपको ऐसे नंबर से रिप्लेस करना है, द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि एक तो यहाँ पे हमें इस स्टार की जगह पे एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट निकालनी है, दूसरी ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी है कि यहाँ पर ऐड करने के बाद ये नंबर फुल्ली 3 से डिविजिबल होना स्टार्ट हो जाए। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पार्ट ए, स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटी डिजिट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली वी विल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। आफ्टर एडिंग वी गेट 19। 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एंड 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से फुल्ली डिविजिबल हो जाता है, 19 के बाद नंबर आता है आपका 21। ठीक है, 21 ऐसा नंबर है जो कि 3 से 19 के बाद आता है और 3 से फुल्ली डिवाइड हो जाता है, तो इसको तो बोलेंगे हम स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 21 - 19 यानी कि 2। ठीक है, 2 तो क्या है, नॉन ज़ीरो, स्मॉलेस्ट डिजिट आपकी आ गई 2। और अब ग्रेटेस्ट डिजिट बताएंगे तो यानी आप देखेंगे 21 से अगला नंबर जो जो जिससे कि ये 3 से फुली डिवाइड हो जाए, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 8। बिकॉज आफ्टर एडिंग 18 - 19 वी गेट 27 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 8 ऐड करने के बाद आपको हमारे पास क्या नंबर आ जाता है, 27, वो जो कि फुली डिविजिबल है 3 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो होगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा आपका, 2। और ग्रेटेस्ट नंबर ऐड जो हम कर सकते हैं इसके अंदर वो होगा आपका 8। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में डाउट है कि हमने यहाँ पर 8 ही क्यों लिया, अब क्योंकि यहाँ पर जो स्टार है यहाँ पर ओनली 1 डिजिट नंबर आ सकता है। ठीक है, 1 डिजिट का नंबर यानी कि 1 से लेकर 9 तक। अगर 3 की हम स्मॉलेस्ट नंबर 2 ऐड कर रहे हैं तो लार्जेस्ट यानी कि हम 9 तक ही कर सकते हैं। अगर 9 ऐड करते हैं, हम 19 में 9 ऐड करते हैं, तब क्या आ जाता है हमारा नंबर 28 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सो वेन वी एड 8 वी गेट 27 विच इज़ डिविजिबल, फुली डिविजिबल बाय 3। सो
the greatest digit is 8. I hope you will understand this. Now part B of this question. Star, smallest digit. Sum of all the digits, we get 24, which is fully divisible by 3. So the smallest digit will be 0. And now the greatest digit, we have 24. Ab 24 se next number kya aata hai 3 ki table mein? 3 8 is 24, 3 9 is 27. ठीक है, 27 यानी कि 3 एंड 3 टेन्स आर 30. तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 9. स्मॉलेस्ट हो गई 0, ग्रेटेस्ट हो जाएगी 9. देखिए 24 है आपका, उसमें जब हम 9 ऐड करते हैं तो कितना नंबर आ जाता है हमारे पास, 24 प्लस 9 करने पर आ जाता है 33, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, सो दैट द ग्रेटेस्ट डिजिट विल बी 9. Now question 8. In each of the following replace star by a digit so that the number is formed is divisible by 11. अब star को आपको ऐसे number के साथ replace करना है जिसके बाद ये पूरा का पूरा number 11 से divide होना start हो जाए. तो उसके लिए हम 11 का divisibility test होता है कि firstly add all the digits given on odd place, then add all the digits given on even place, then find the difference between them. If the difference is fully divisible by 11 or 0, the number will be divisible by 11. Otherwise, it is not divisible by 11. So, let's start part 1. Firstly, this is sum, not sun. Okay, please correct this. Sum of the given digits at odd places. Odd place ki digits ka sum kya hai? 4 plus 4 plus 1 digit is missing. From the right, right side से हमने start करना add करना start किया right side से. ठीक है, right side से odd हो गई 4 and star. तो it is 8 plus required digit. अब देखिए students, odd places find करने के लिए हमने सबसे पहले आप ये digit लिखेंगे जो आपको number जो मिला है 8 स्टार 9 4 8 4. देन आप राइट साइड से इसके ऊपर नंबर डालना स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6. अब ऑड प्लेस का नंबर क्या हो गया 4, ऑड प्लेस है 1 3 5, और ऑड प्लेस पे कौन कौन सा नंबर है 1 4 4 एंड स्टार. तो सेम एज हमने ऑड प्लेसेस के नंबर को ऐड कर लिया है 4 प्लस 4 प्लस रिक्वायर्ड डिजिट. तो आंसर आ जाता है यहाँ पर हमारा 8 प्लस रिक्वायर्ड डिजिट. नाउ एडिट द इवन प्लेसेस नंबर. इवन प्लेसेस नंबर इज 8 9 एंड 8. आफ्टर एडिंग देम वी गेट 25. तो अब इनका डिफरेंस क्या होगा 25 में से, आपको ऑड प्लेसेस के नंबर्स का एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना है. ऑड प्लेसेस का आंसर आया 8 प्लस रिक्वायर्ड डिजिट. तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रह जाएगा 17 माइनस रिक्वायर्ड डिजिट. क्या रह जाएगा 17 माइनस रिक्वायर्ड डिजिट. तो 11 इज़ द नंबर स्मॉलर देन 17. और 11 एक ऐसा नंबर है जो कि 17 से छोटा है. हु गेट्स डिवाइडेड बाय 11, व्हाट द अबव डिफरेंस टू बी डिविजिबिलिटी बाय 11 रिक्वायर्ड नंबर इज 6. ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि ये फुल्ली सब्ट्रैक्ट हो जाए इसमें से, तो हमें क्या करना होगा कि पूरा का पूरा यहाँ पर क्या रखना होगा 17. और क्योंकि 11 जो है 17 से छोटा है, और 11 को पूरा 17 बनाने के लिए हमें उसमें कितना ऐड करना होगा 6, देन द रिक्वायर्ड डिजिट विल बी 6. यानी कि हम अगर 17 में से 6 को माइनस करें तब आ जाएगा 11, विच इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय 11, सो दैट द रिक्वायर्ड डिजिट विल बी 6. 8 6 9 7 8 4 विल बी द आंसर. देखिए 17 में से क्या माइनस करेगी, एक ऐसा नंबर है जो 11 से फुल्ली डिविजिबल है. तो 17 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें तब आ जाता है 11, और 11 इज़ द नंबर विच इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय 11, सो द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 6.
ओके, क्योंकि जब आप स्टार की जगह पर सिक्स को रखेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो इलेवन से फुल, वो नंबर बन जाएगा जो इलेवन से फुल्ली डिवाइड हो जाता है। नाउ क्वेश्चन, इसका पार्ट सेकंड, फर्स्टली सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, वही करना है आपको, राइट साइड से 2, 7, 5, 9, इट इज़ 23। नाउ इवन प्लेसेस 6, 3 एंड रिक्वायर्ड नंबर, ये हो गया 9 प्लस रिक्वायर्ड नंबर, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 23 माइनस 9 प्लस रिक्वायर्ड नंबर, 23 में से 9 माइनस कर देंगे तब आ जाएगा आपका 14 माइनस रिक्वायर्ड नंबर। अब 14 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 11 आ जाए, 14 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या आ जाता है हमारे पास, 11। ओके, और 11 इज़ फुल्ली डिविजिबल बाई 11, सो हैंस द रिक्वायर्ड डिजिट विल बी 3 एंड द नंबर विल बी 9,93,53,762। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस स्टार, स्टार को रिप्लेस करना है और क्या बनना चाहिए आपके पास। फर्स्ट है सिचुएशन, द स्मॉलेस्ट डिजिट 00, द ग्रेटेस्ट डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 6। ये 00 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 00 की जगह पर यहाँ पर है सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट सिचुएशन आपको स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करनी है और सेकंड सिचुएशन है आपकी द ग्रेटेस्ट डिजिट सो दैट द नंबर फाउंड इज डिविजिबल बाय 6, यानी एक स्मॉलेस्ट डिजिट और एक ग्रेटेस्ट डिजिट जिससे कि ये नंबर 6 से फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि अगर इन सभी नंबर्स का जो ऐड है या फिर ये जो नंबर है, सॉरी ऐड नहीं, अगर ये नंबर 2 और 3 से फुल्ली डिविजिबल है तो दैट मीन्स ये 6 से भी फुल्ली डिविजिबल होगा। तो इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन द नंबर शुड ऑल्सो गेट डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, यानी 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 और 3 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 6, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2, 6 होने की वजह से 2 से तो डिविजिबल है ये। तो द सम ऑफ ऑल दीज नंबर इज 19, तो हमने इन सारे डिजिट्स का जब एडिशन करा तब हमको मिलता है 19। ये 3 से निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, 19। अब अगर हम चाहते हैं कि 3 से फुल्ली डिविजिबल हो तो इसमें क्या 19 के बाद अगला कौन सा नंबर आता है जो 3 से फुल्ली डिविजिबल होता है, 3, 7 ज़ 21, तो इसको 21 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2, स्मॉलेस्ट नंबर 2 होगा क्योंकि 21 आ जाएगा तो ये 3 से फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, अब ग्रेटेस्ट नंबर में हमें 1 से लेकर 9 के बीच ही ले सकते हैं क्योंकि 1 प्लेस डिजिट है, तो 1 से लेकर 9 के बीच में सबसे पहले हम 9 ही ऐड करके देख लेंगे, 19 प्लस 9 करते हैं तो कितना आता है, 28, 28 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देन एड 8 एंड वी विल गेट 27, एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 8, स्मॉलेस्ट इज़ 2 एंड द ग्रेटेस्ट इज़ 8, एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ कम टू पार्ट बी, तो इफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 देन इट शुड गेट डिविजिबल बाय 2 एंड 3, एंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज़ 4, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, ठीक है, क्योंकि 4 है यूनिट प्लेस पर तो 2 से तो सिंपली पता चल गया हमें डिविजिबल है। अब देखना है कि 3 से कैसे डिविजिबल हो पाएगा, फर्स्टली वी विल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस गिवन नंबर एंड वी गेट 27, बिकॉज वी गेट 27 एंड 27 इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय 3, सो द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 0, ओके, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विल बी फ्रॉम 1 to 9, फर्स्टली वी विल ऐड 9 to 27, आफ्टर एडिंग 9 वी गेट 36, 36 इज डिविजिबल बाय 3, सो द ग्रेटेस्ट नंबर टू बी एडेड इन 27 इज 9। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे एकदम समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, इनमें से कौन से नंबर आपके हैं प्राइम नंबर्स,
तो उसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे आप, 101, वी हैव 101 विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, 1 and 101 द नंबर इट्सेल्फ. तो इफ इट हैज़ टू फैक्टर्स देन दैट मीन्स दिस इज़ अ प्राइम नंबर. 251, इट ऑल्सो हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, 1 and the number itself. So it is also a prime number. Now 323, it has also two factors. It has four factors, 1, 17, 19, and 323. Because this number has more than two factors, so it is not a prime number. Part 4, it has only two factors. So 1 and the number itself, that means this is a prime number. Now question number 11, determine this is divisible by 45. आपको बताना है कि यह number 45 से fully divisible है कि नहीं है. To determine if this number is divisible by 45, there is a mistake students, please correct it. यहाँ पर आपका यही number आ जाएगा. यहाँ पर आपको बस करेक्शन करनी है, यहाँ पर इसकी जगह पर हो जाएगा यही नंबर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, 3, 7, 2, 6, 4, 5. ये करेक्ट कर लेंगे आप सभी स्टूडेंट्स. यहाँ पर टू डिटरमाइन दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 45, वी टेस्ट इट फॉर डिवाइड बाय 5 and 9 बोथ. अगर हमको देखना है कि ये नंबर 45 से फुल्ली डिवाइडेड है, तो हम 45 के जो फैक्टर हैं 9 and 5, अगर ये इनसे फुल्ली डिविजिबल होता है, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज़ फुल्ली डिविजिबल बाय 45. देन नंबर इन द यूनिट प्लेस इज 5, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 5. अब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि सभी डिजिट्स को ऐड करिए और देखिए कि ये नंबर डिविजिबल हो पा रहा है कि नहीं 9 से. सो वी विल ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, वी गेट 27, एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9. सो दैट एज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 9 बोथ, एंड 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 into 9 = 45. यानी अगर ये इस नंबर से, अगर इस नंबर के फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो ये 45 से भी फुल्ली डिवाइड होगा. नाउ क्वेश्चन 12, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल. ठीक है, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइडेड हो पा रहा है, तो कौन से और नंबर है जिनसे वो डिवाइड हो पाएगा. तो अगर 12 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स 12 के सारे जो भी फैक्टर्स हैं, उन सब से भी ये नंबर फुल्ली डिविजिबल हो पाएगा. ठीक है, द नंबर डिविजिबल बाय 12 शुड ऑल्सो गेट डिविजिबल बाय ऑल इट्स फैक्टर्स. सो द नंबर बाय विच गिवन नंबर इज डिविजिबल आर, इसके सारे फैक्टर बता देंगे. 12 के फैक्टर है 1, 2, 3, 4 and 6. ठीक है, जो 12 से डिवाइड हो रहा है, वो उसके सारे फैक्टर से भी फुल्ली डिवाइड हो पाएगा. नाउ क्वेश्चन 13, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8. कोई नंबर है जो 3 and 8 से फुल्ली डिवाइड करता है, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर विल बी ऑलवेज डिविजिबल. तो कौन सा दूसरा ऐसा नंबर होगा जिससे, कौन सा नंबर ऐसा होगा जिससे अगर 3 and 8 से हो रहा है, तो वो उससे भी फुल्ली डिवाइड होगा. तो वो होगा 3 and 8 को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उससे, 24. तो इसका सॉल्यूशन आपको लिखना कैसे है नोटबुक में, फर्स्टली लेट अ नेचुरल नंबर से n, मान लेते हैं कि वो नंबर n है, वी डिविजिबल बाय बोथ 3 and 8, जो कि 3 and 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है. अब 3 and 8 क्या है, को प्राइम नंबर, यूजिंग प्रॉपर्टी n इज़ डिविजिबल बाय 24. अगर हम n की प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो 3 into 8 करने पर क्या था, 24. दस द गिवन नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 24. सो द गिवन नंबर शुड गेट डिवाइडेड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24. कोई भी नंबर 24 से अगर 3 and 8 से फुल्ली डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि वो 24 से भी डिवाइड होगा, और 24 से डिवाइड हो रहा है यानी कि इसके सभी फैक्टर से डिवाइड होगा. तो हैंस द अदर नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल, यानी ये वो नंबर हर किसी से डिविजिबल होगा. तो 12 के 24 के फैक्टर देख लेंगे उसके लिए, 1, 2, 4, 6, 12 and 24. तो ये सभी नंबर है जिनसे वो नंबर ऑलवेज डिविजिबल हो पाए. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स. इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8.
अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 8 से भी डिविजिबल होगा, फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, फॉल्स, ऐसा तो नहीं होता है। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, यस, अगर 9 से हो रहा है तो 3 से भी होगा क्योंकि जो 3 है वो 9 का एक फैक्टर है, बट 9 3 का फैक्टर नहीं है, ना ही 8 4 का फैक्टर है, दैट मीन्स इनका आंसर इसलिए ही फॉल्स हुआ है। नाउ नंबर 4, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, ट्रू, अगर 9 और 10 से हो रहा है तो 9 और 10 के प्रोडक्ट यानी कि 90 से भी वो नंबर फुल्ली डिविजिबल होगा। नाउ 5, इफ़ अ नंबर डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट बी डिवाइडेड देयर सम, यानी कि अगर दो नंबर अलग अलग सेपरेट डिवाइड हो पा रहे हैं तो क्या उनका सम यानी उनको ऐड करने के बाद भी जो नंबर आएगा वो फुल्ली डिविजिबल होगा, यस, ट्रू। इफ़ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स देन इट मस्ट डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली, कि अगर कोई नंबर जो है किसी नंबर के सम को डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब वो दोनों नंबर को भी डिवाइड कर देगा, फॉल्स। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 8 बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 12, नो, कैन इट बी ट्रू, यस इट कैन बी डिविजिबल बाय 12, लाइक 8 थ्री ज़ा 24 एंड if it is divisible by 3 and 8 it will be divisible by 24 also and all the factors of 24 and 12 is also a factor of 24, that's why it is true. Part 8, if a number is divisible by 6 and 15 both it must be divisible by 90, agar 15 aur 6 se dono se divide ho raha hai to kya wo 90 se bhi divide hoga. Firstly we will find that what will be coming after multiply 6 into 15. 15 6 90, no it will not divisible by 90. Okay students, I hope now you will understand all this exercise fully. Now complete your work. Thanks for watching.